हे गाइस, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग वायरस में। गाइस, आज हम लोग एनालिसिस देखेंगे जीएमडी वेंचर्स लिमिटेड का, देखेंगे कंपनी का फ्यूचर कैसा है, बैलेंस शीट, पास रिटर्न, सारा चीज़ हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है तो आगे आपको क्या करना चाहिए। और गाइस, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी एडवाइस भी दूंगा कि इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। गाइज, आप लोग में 98% ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लीज़ गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक जो करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी जल्दी जल्दी वीडियो लाऊं। तो चलिए एनालिसिस शुरू करता हूं। गाइज, कंपनी के बारे में देखें तो जीएमडी वेंचर जो है इंटरटेनमेंट बिजनेस में है, जैसे कि म्यूजिक इंडस्ट्री और फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। गाइज, कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू देखें तो कंपनी बिजनेस करती है इन्वेस्टमेंट इन शेयर एंड सिक्योरिटी, और कंपनी म्यूजिक अपलोड भी करती है यूट्यूब पे, जिसमें कि 1200 म्यूजिक एल्बम है और 30,000 सॉन्ग्स है। और कंपनी कुछ रीजनल टेलीविजन और रेडियो के लिए प्रोड्यूस करती है शो इंडिया में। और सर्विस ऑफर देखें तो रिकॉर्डिंग एंड सेल ऑफ म्यूजिक सीडीज एंड एलीड प्रोडक्ट, रेंटिंग ऑफ रिकॉर्डिंग स्टूडियो, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग इन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग इन कमोडिटीज, अदर रिलेटेड एक्टिविटीज ऑफ कैपिटल मार्केट। गाइस, कंपनी का यूजर इंडस्ट्री देखें तो इंटरटेनमेंट, डिजिटल, ई कॉमर्स, एजुकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेल, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, ट्रेडिंग एंड सर्विस सेक्टर। बोनस इशू किया था कंपनी 23 सितंबर 2022 को 1:1 का, और कंपनी का शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है 15 करोड़ से 30 करोड़। और रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो यूट्यूब में म्यूजिक ब्रॉडकास्ट से 8%, इंटरेस्ट रिसीव 7%, सेल ऑफ इक्विटी शेयर से 70% और अदर इनकम 15% है। गाइज, कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 62 करोड़ का है, करंट प्राइस अभी 21 रुपये चल रहा है, स्टॉक पी देखें तो 16 रुपये है, डिविडेंड यील्ड 0% है, आरओसी देखें तो 8.82% है, आरओई देखें तो 7.42% है और फेस वैल्यू 10 है। गाइज, कंपनी का प्रोस एंड कॉन्स देखें तो प्रो ये है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और कॉन्स देखें तो कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही है, प्रमोटर होल्डिंग 21.2% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का देखें तो सिर्फ 0.35% है, और प्रमोटर का 81.8% होल्डिंग जो है गिरवी है, प्लेज है, और कंपनी हैज़ हाई डेप्टेटर ऑफ 827। गाइज, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कंपनी का सेल्स गिरा है, एक्सपेंस माइनस में है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है और नेट प्रॉफिट देखें तो थोड़ा सा बढ़ा है। गाइज, कंपनी का एनुअली रिटर्न देखें तो कंपनी का सेल्स गिरा है, एक्सपेंस गिरा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है और नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा बढ़ा है। गाइज, कंपनी का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल का देखें तो 41% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल का देखें तो 147% है, स्टॉक प्राइस सीजीआर 3 साल का देखें तो 0% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का देखें तो 0% है। गाइज, कंपनी का स्कोर कार्ड देखें तो परफॉर्मेंस देखें तो एवरेज है, वैल्यूएशन देखें तो हाई है, ग्रोथ देखें तो लो है, प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो हाई है, एंट्री पॉइंट देखें तो एवरेज है और रेड फ्लैग देखें तो एवरेज है। गाइज, कंपनी का इनकम स्टेटमेंट देखें तो लोअर देन इंडस्ट्री, रेवेन्यू ग्रोथ डिक्रीजिंग, मार्केट शेयर, टोटल रेवेन्यू देखें तो थोड़ा सा बड़ा है, कंपनी का इबिटा देखें तो थोड़ा सा बड़ा है और कंपनी का ईपीएस देखें तो वो भी थोड़ा सा बड़ा है। गाइज, कंपनी का बैलेंस शीट देखें तो हायर देन इंडस्ट्री करंट रेशियो, कंपनी के ऊपर में एसेट देखें तो 37 करोड़ का है और कंपनी के ऊपर में लायबिलिटी देखें तो सिर्फ 2 करोड़ का है। गाइज, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो नेट कैश जो है सिर्फ 0.22 करोड़ का है और फ्री कैश फ्लो देखें तो सिर्फ 0.54 करोड़ है। गाइज, कंपनी का 1 साल का रिटर्न देखें तो 80.79% है। गाइज, कंपनी का ऑल टाइम रिटर्न देखें तो 888.13% है लेकिन कंपनी पिछले 2 महीने में ही 50% नीचे गिर चुका है। कंपनी 1 दिसंबर 2023 को 45 रुपये का था जो कि अभी 21 रुपये चल रहा है। गाइज, कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास 21% है, डीआईज के पास 0.03% है, रिटेल अदर के पास 78% है और कंपनी के जो प्रमोटर के पास जो भी है उसमें 80% गिरवी है।
गाइज ये था जेएमटी वेंचर्स लिमिटेड का एनालिसिस। मैं इसमें कुछ पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कंपनी का अगर आप आरओसी आरओई देखें तो कुछ खास नहीं है, कंपनी का मार्केट कैप देखें तो वो भी बहुत कम है, और कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग देखें तो एक तो बहुत कम है 21% है, ऊपर से 80% जो है होल्डिंग गिरवी रखी गई है। कंपनी का इब्टा ईपीएस देखें तो वो कुछ खास नहीं है, अगर कंपनी का सेल्स और रेवेन्यू देखें तो वो भी खास नहीं है, और कंपनी जो है पिछले 2 महीने में ही 50% टूट चुकी है, अभी जो है 19 रुपए के कुछ आसपास चल रही है कंपनी। तो गाइस मैंने सारा चीज अच्छे से एनालिसिस कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं। ऐसे तो इस कंपनी में अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है ऐसा जिसे देख कर इन्वेस्ट किया जाए, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अच्छे से आप इस मेरे वीडियो को देखें और विचार करके आप जो आपको मन में करे आप वो कर सकते हैं। और गाइस अगर किसी और स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।